अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल टेक एंड केयर डिज़ाइन आज हम मॉडिफायर टूल बार में कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मिरर और इसके साथ फिलेट चैम्फर ब्लेंड लाइन एंड एक्सप्लोर छोटी छोटी टूल्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे फर, uh, तो स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं होते तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिरर की कमांड हो फ्रेंड्स मिरर की कमांड एक ऐसी कमांड है जिसमें आप एक बना बने ऑब्जेक्ट की एक सपोज करें कॉपी ही आप उठा के साइड पर जो है वो बना सकते हैं ठीक है फ्रेंड तो देखते हैं मिरर कमांड को तो मिरर कमांड की जो शॉर्ट की है वो है जी एम आई एंटर अब ये एक छोटा सा स्केच बना हुआ है इसको मैंने मिरर करना है तो आप सबसे पहले यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दें सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और आपसे जो है वो फर्स्ट पॉइंट पूछेगा ठीक है फ्रेंड अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने इस पॉइंट इस साइड पे जो है वो मिरर करना है तो आप राइट right क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक करें और ऊपर की तरफ जाकर नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर दें और यहां पर दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं कह रहे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो कह रहे कि जो ऑब्जेक्ट जिसका आपने अभी डिप्लोकेट डुप्लीकेट बनाया क्या वो ओरिजिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो एरेज हो या उसको छोड़ दिया जाए तो मैं इसको नो कर देता हूँ वो भी रहे और ये वो इसका मिरर आ गया ठीक है फ्रेंड <coughs> इसी तरह आप फिर देख लें एम आई एंटर क्लिक राइट क्लिक अब आप चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मिरर हो रहा है वो इसी के साथ कनेक्टेड आए तो फिर उसके लिए आप क्या करें इसके इसको एज अ बेस पॉइंट लें और टॉप पे जाकर इस पॉइंट पे आप क्लिक कर दें और नो no कर दें ठीक है फ्रेंड तो सेम यही ऑब्जेक्ट आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो मिरर हो जाएगा ठीक है अगर आपने इसको नीचे की तरफ इसको मिरर करना है तो फिर आप इस ऑब्जेक्ट यहाँ इस पोजिशन पे क्लिक कर दें या आप इस पॉइंट पे क्लिक कर दें चल मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इसको सेकेंड पॉइंट ये दे देता हूँ तो ये जो है वो आपके पास <coughs> नीचे की तरफ मिरर हो जाएगा मजीद इनको आगे भी आप मिरर कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड आई इंटर क्लिक राइट क्लिक एंड और आपने यहां से यहाँ पे आप क्लिक कर दें आगे पूछ रहे आपसे सोर्स फाइल डिलीट हो या ना हो तो इसको यस कर दें तो वो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे आपका पास मिरर आ जाएगा ठीक है फ्रेंड तो हॉप आपको समझ आ गई होगी नेक्स्ट uh, टूल की बात करते हैं यह आपके पास फ्लिट टूल बार है फ्लेट में चैम्फर और ब्लेंड कर दो चीज़ें तो इसको देख लेते हैं और इसके साथ ये एक्सप्लोर्ड कमांड है एक्सप्लोर्ड कमांड को पहले देख लेते हैं एक्सप्लोर्ड कमांड के लिए एक्सप्लोर्ड कमांड बेसिकली एक इस पर्पज़ के लिए यूज होता है अगर आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो उसको अलग अलग करने के लिए उसको स्प्रेड करने के लिए ठीक है फ्रेंड उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसको सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है तो वो कैसे उसको देख ले देखें मेरे यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया ठीक है फ्रेंड अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ठीक है अब हम मैं चाहता हूँ कि ये लाइन ये लाइन ये चारों लाइनें आपस में वो कनेक्ट न हो बल्कि अलग अलग हो जाए तो उसके लिए आप क्या करें यहां पे आप क्लिक कर एक्सप्लोर कमांड और इसकी जो शॉर्ट की है वो इंटर और आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें राइट right क्लिक कर दें या इंटर को आप प्रेस कर दें तो ये देखें लाइन जो पहले एक ही ऑब्जेक्ट था वो अब फोर पीस में डिवाइड हो गए ठीक है फ्रेंड अब इसी पे ही जो है वो मैं आ, और फिलेट कमांड अप्लाई करता हूं तो फिलेट कमांड आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं ठीक है सबसे टॉप पे आपको फिले कमांड जो मिल जाएगी और इसकी जो शॉर्ट की है वो है एफ एंटर एफ एंटर करने के बाद यहां पे आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है देखें आडू पोलिड रेडियस ट्रेम और मल्टीपल्स तो उसके लिए आपने करना क्या है सबसे पहले आपने चाहते हैं कि ये जो कॉर्नर है ये इसको कोई रेडियस दे दें ये गोलाई में आ जाए ठीक है उसके लिए रेडियस आप क्लिक कर दें यहाँ पे या सिंपल इंटर आप प्रेस कर दें इंटर प्रेस करने के बाद ऑलरेडी मैंने सिक्स फिट दिया है आप इसको चेंज कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे टेन फिट कर दें उसके बाद आपको कह रहे फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अब सेकेंड ऑब्जेक्ट जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रेडियस आपके पास जो सिक्स फिट आपने एंटर किया था तो यहाँ से रेडियस आप चेक कर सकते हैं तो देखिए सॉरी टेन फिट तो ये टेन फिट आपके पास रेडियस आके ठीक है फ्रेंड अब इसी तरह आप चाहते हैं कि ये मल्टीपल में हो जाए तो उसके लिए एफ एंटर करें और ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रहा है उसके लिए आप मल्टीपल पे क्लिक कर दें और मल्टीपल क्लिक करने के बाद रेडियस पे क्लिक कर दें अब यहाँ पे रेडियस आप दे दें जी वही टेन फिट और क्लिक, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सेकंड ऑब्जेक्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी जो है वो मैंने इसको रेडियस किया हुआ है ठीक है फ्रेंड तो ये शेप आपकी रेक्टेंगल से ये शेप में में ये कन्वर्ट हो जाएगा अब आप चाहते हैं कि ये जो कॉर्नर बाहर निकले हुए हैं ये भी साथ ना रहे ये भी ट्रिम हो जाए तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक सर और रेक्टेंगल ड्रॉ करें एफ एंटर करें एफ़ इंटर करने के बाद यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है ट्रिम के ऑप्शन पर आप क्लिक करें और यहाँ पर यस और नो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी नो ट्रिम था तो यहाँ पर आप ट्रिम कर दें उसके बाद रेडियस दे दें तो रेडियस में मैं यहाँ पे सपोज करें फिफ्टीन फिट दे देता हूँ तो ये हो गया देखें वो जो कॉर्नर था वो यहाँ से डिलीट हो गया ठीक है फ्रेंड तो इस तरह आप जो है वो इसको ट्रिम भी कर सकते हैं और इसमें एक नेक्स्ट ऑप्शन देख लें एफ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पोली लाइन का पोली लाइन पे क्लिक करें और रेडियस रेडियस आपने यहाँ पे Uh, कितना देना है जी सपोज करें मैं इसको ट्वेल्व फेट रेडियस दे देता हूँ और जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट टोटली ही कॉर्नर से जो है वो सर्कल फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर आप ट्रिम uh, के ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये साइड के कॉर्नर जो है ये भी ट्रिम हो जाएंगे ठीक है फ्रेंड चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जी चैम्फर पे तो चैम्फर के लिए यहां पे एक एक ऑब्जेक्ट आप एक रेक्टेंगल यहां पे ड्रॉ करें सी एच एंटर मल्टीपल में मैं क्लिक करता हूं फिर उसके बाद डिस्टेंस पे डिस्टेंस में मैं एट फिट इंटर फिर एट फिट इंटर कर लेता तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन हो गई ये सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ इसमें भी सेम इसी तरह आप इसको किसी एंगल पे भी आप दे सकते हैं आप सिंगल सिंगल कॉर्नर को भी आप चैम्फर कर सकते हैं मल्टीपल को कर सकते हैं पोली लाइन आप इसमें एंटर कर सकते हैं इन दो चैम्फर और फिलट में इतना खास फर्क नहीं रह जाता ठीक है फ्रेंड इसी के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है वो ब्लेंड कर्व की है ब्लेंड कर्व की जो शॉर्ट की है वो है जी बी एल ई एन डी ब्लेंड है अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दे रहा है ब्लेंड स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट ठीक है फ्रेंड तो यहाँ पे आपके मैं स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ अब कह रहे हैं स्पेसिफाई सेकेंड ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ पे ये इस पॉइंट को सेकेंड ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ तो जैसे मैंने क्लिक किया तो इनके बीच में एक जो है वो ब्लेंड लाइन ने एक दूसरे ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर लिया ठीक है फ्रेंड इसी तरह इस पॉइंट में मैंने क्लिक किया और बैंड को फिर एक्टिव करता हूँ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इस तरह मजीद आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा तो काइंडली चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अगर कोई भी मसला हो लेक्चर के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए तो